क्या हुआ? तो बाहर से आके कपड़ा नहीं बदला और बिस्तर का ऐसे करके रखा है, गंदे करके रखा है, जो ड्रेस है जो भी है ये सब संभाल के रखना पड़ेगा। कितना महंगे महंगे कपड़ा है। क्या हुआ, तू ड्रेस नहीं चेंज किया? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्यों, क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज्यादा सर घूम रहा है मेरी, और साथ साथ बहुत उल्टी उल्टी भी फील हो रहा है। ये तो होना ही था ना, इतना देर तक बिस्तर में लेटे रहते हैं, 12 बजे तक, कभी टाइम पे उठता नहीं। टाइम पे उठो, खाना वाना ठीक तरह खाओ, देखो ठीक हो जाएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब जो बिस्तर है वो सब ठीक तरह सजा के रखो। क्या हुआ, मुंह ऐसे लटका के बैठा? मेरी तबीयत बहुत खराब लग रहा है। क्या हुआ, ठीक तरह बोलो, क्यों ऐसे कर रही हो? खाना वाना ठीक तरह खाओ, नहीं तो तबीयत तो खराब हो जाएगा ना। टाइम पे खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, दिन में सुबह सुबह बिस्तर से उठो। मैंने एक्चुअली आपसे एक बात छुपाई थी। क्या बात छुपा, तुम तो अभी तक कोई बात छुपाता नहीं थी। पहले सुजा, मैं भी थक गई, बोलो। मैं कैसे बताऊँ, मैंने बहुत ट्राई किए थे कि आपको ना बोलने के, लेकिन अब सिचुएशन से ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं कि मुझे लगता है बोलना ही चाहिए अब आपको। तो बोलो, चुप क्यों है? मैंने टेस्ट किया था, कौन सा स्टेज बताओ, कौन सा स्टेज बोलो। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें। क्या है, जो बताना चाहते हो बोलो। मैं एक्चुअली पागल हो गया, बोल रहे हैं बताना चाहते हो फिर बोलना नहीं चाहते, बोल नहीं पा रहे हो। ये कैसी कैसी बात है जो बोलने से इतना हिचकिचा रही हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। पागल लड़की, प्रेग्नेंट कभी ऐसे ऐसे होता है? ये सब कैसे हुआ? तू ये कहने से पहले सोचा नहीं, तेरा परिवार की बात एक बार के दिमाग में नहीं आया कि हम लोगों का क्या होगा, हम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे, कहाँ जाएंगे? हे भगवान, ये लड़की, इसको मेरा मन कर रहा है तुझको मार दूँ मैं। हे भगवान, ओ बोल, सॉरी। ठीक है बोल, वो लड़के का नाम बोल, किसने किसने कौन है उसका नाम बोल बोल। मैं अभी तेरे पापा को फोन लगा रही हूँ। मम्मी, पापा को मत फोन नहीं नहीं तू करो बोल ना, बोल 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 बोल, पापा को नहीं मत नहीं बोल बोल फोन। बोल, मम्मी, छोड़ दे, करने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। जिस घर में पापा मम्मी जो जो है मेरा रिलेटिव, बोल। मैं, हे भगवान, मेरा दबाई दो, मेरा सर घूम रहे हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, इतना हाई टेंटेड मत हो, ये मैंने एक प्रैंक किया आपके साथ। छोड़ तेरा मजाक, मैं सच तू भी मजाक कर रही है। अरे यार, मैं सच कह रही हूँ, मैं कहाँ से प्रेग्नेंट होंगी? सच्ची? हाँ, मैं प्रैंक कर रही हूँ। हे भगवान, ये तो मैं बोल रही हूँ, मेरा लड़की। यार, मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया, मतलब अपनी यूट्यूब चैनल के ट्राई लिए। किया है कहाँ पे? वहाँ पे देखो कैमरा, तुम्हारे मतलब पास से भी अगर कोई चले जाए, तुम्हें मतलब क्या है तुम्हारे दिमाग में?
वहां पे कैमरा है। नहीं तो हमने वहां सोचा है मेरा लड़की कितना अच्छी है बोले। यार यहाँ पे अच्छी बुरी की बात नहीं है, मैंने बस ऐसे ही प्रैंक किया, मतलब मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे रिएक्शंस कैसे रहते हैं, इसलिए मैंने किया। मेरा जान ही निकल गया। अरे उठ जा उठ जा, अभी अभी उठ जा। मैं तो बोलूंगी कोई भी लड़का लड़की हो, कुछ करने से पहले उसका माँ बाप की एक बार सोचिए। अभी तुम इतना ज्यादा मतलब अंदर मत घुस जाओ, ये प्रैंक थी एंड आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा प्रैंक ट्राई किया तुम्हारे साथ। सच हाँ ये सच है, ये देखो कैमरा। तूने कब कैमरा छुपा के रखा था? मैंने ये कुछ मतलब तुम अंदर आ रही थी तो तब मैंने मतलब ये जो मेरा प्रैंक करने का जो आइडिया है मैं पहले से करके रखा था, लेकिन अभी जाके मैंने ये वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज 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 एक लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि ये प्रैंक देखते वक्त आप लोगों को क्या फील हुआ, या आप लोगों के साथ मतलब कभी ऐसा हुए है या नहीं। एंड मेरे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे मतलब आजकल की जनरेशन में ये बहुत ही देखा जाते हैं कि ऐसे मतलब मैरिज के आगे ही बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी टाइप के कुछ होते हैं। तो ज़्यादातर लड़की ना अपनी फैमिली के साथ ये शेयर नहीं कर पाती है, वो सोचते हैं कि फैमिली का लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो मेरा ये सलाह है कि हमेशा कहना चाहिए, फैमिली को पहले कहना चाहिए, किसी दूसरे को कहने से पहले अपनी फैमिली को कहना चाहिए। एंड मैंने ऐसे भी देखा कि बहुत सारी लड़की जो मतलब ना बोलने के कारण वो लोग सोसाइटी के डर से, घर वालों के डर से सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कदम कभी ना उठाए, अपने फैमिली के साथ शेयर करो तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है। एंड जो खासकर के मेरे मम्मी के साथ, हाँ सबके मम्मी के साथ शेयर करना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को भी मतलब बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। एंड हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये गलती करो जानबूझ के फिर आप अपने मम्मी पापा को जाके बोलो, ऐसा नहीं। ये सब करने से पहले एक बार सोचना चाहिए एंड फिर मतलब गलती से अगर हो जाए तो फिर माँ पापा को बोलना चाहिए, मेरी सलाह है। तो प्लीज बताना आज के प्रैंक वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए बाय।